नमस्कार, मैं मिथुन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं, जो अपने मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि सीजीएल 2023 के अंदर टोटल कितनी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आपको टाइपिंग के लिए हाई एक्यूरेसी चाहिए, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम एक्यूरेसी जब होगी तभी आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर पाएंगे। वैसे नॉर्मली तो टाइपिंग सभी पोस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, जो इसके अलावा पोस्टें हैं उनमें टाइपिंग के लिए आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही कंप्यूटर भी सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें कंप्यूटर के लिए स्पेशल अलग से कट ऑफ बनेगी। और ये जितनी भी पोस्टें यहाँ पे आपको मिनिमम कट ऑफ देखने को मिलती है, तो सभी बच्चों का ये प्रयास रहना चाहिए कि टाइपिंग आप हाई एक्यूरेसी के साथ करो, ताकि अगर आपके नंबर कम भी रह जाते तब भी आपको ये पोस्ट मिल जाने चाहिए। उसके अलावा एक्चुअल आपको पैसेज में यहाँ पे ओरिजिनल जो पैसेज है वो दिखाने वाला हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे जो कंटेंट आपको मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज टोटल कितने की स्टॉक मिनिमम करने पड़ेंगे टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए, ताकि आप टाइपिंग क्वालिफाई हो जाओ। तो जितने भी आपके डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपको इधर उधर का कंटेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। इसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा है। जब आप एसएससी का टाइपिंग दोगे तो इस तरीके से फोटोस होगा, इस तरीके से नाम्स होगा, इस तरीके से कंटेंट होगा। यहाँ पर कंटेंट टाइप करना पड़ेगा और कंटेंट को टाइप करने के लिए कम से कम 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज इतना ही होगा। तो जितने भी फीचर हैं ये सारे फीचर हमने यहाँ पर आपको दिए। उसके अलावा हमने यहाँ पर आपको 250 एक्चुअल जो सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो प्रोवाइड कराएं। तो इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो ले सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि जो बच्चे अभी तक टाइपिंग का सॉफ्टवेयर परचेज नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने प्राइस और कम कर दिया है। चूंकि आपके टाइपिंग में 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, 1 महीने से कम टाइम बचा हुआ है, तो 1 महीने के लिए हमने यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ कर दिया है। 99 रुपीज़ में आप 1 महीने के लिए इस सॉफ्टवेयर को एसेस कर सकते हो, यानी कि सीएचएसएल सीजीएल। सीएचएसएल एग्जाम में भी आपका सीएचएसएल का भी 2 नवंबर को है एग्जाम है, और सीजीएल का भी 25, 26, 27 को एग्जाम है। तो ये प्लान आप ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो कि 250 पैसेज आपको केवल 99 रुपीज़ में पड़ रहे हैं, यानी कि 1 पैसेज की कॉस्ट 40 पैसे से भी कम पड़ने वाली है। इसका फायदा उठाइए और लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डेमो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डेमो जो लीजिएगा, और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख लो कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो आपका नोटिफिकेशन है ऑफिशियली, उसमें पैरा नंबर 13.8.11.4 में देखो साफ साफ लिखा हुआ है, व्हाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट वेयर आइदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रेस्क्राइब, जो भी आपका पैरा में मेंशन किया गया, और वेयर डेस्ट इज प्रेस्क्राइब, जैसे कि कहाँ पे डेस्क टॉप का प्रेस्क्राइब है, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है इन सीबीआईसी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, यानी कि दोनों टैक्स असिस्टेंट जो आपके सीबीआईसी और सीबीडीटी इनमें आपकी हायर कट ऑफ बनेगी। उसके अलावा जो भी आपकी यूडीसी की पोस्ट है उनमें हायर कट ऑफ बनेगी। उसके अलावा एसएसए इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये जितनी भी पोस्ट हैं इनमें आपकी टाइपिंग की हाई कट ऑफ बनेगी। अब कितनी कट ऑफ बनेगी, उसके अलावा यहाँ पे आप पीएसए को भी ऐड कर लो। पीएसए जो पोस्ट है इसमें कंप्यूटर की भी अलग से कट ऑफ बनेगी, उसके अलावा टाइपिंग की भी आपकी, ये जो पोस्ट है पीएसए की पोस्ट है ये हाई एक्यूरेसी वाली टाइपिंग जो पोस्ट है उनमें आपकी ये आती है, यानी कि यहाँ पर भी आपको टाइपिंग इतनी ही एक्यूरेसी के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब कितनी एक्यूरेसी चाहिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये 2022 का रिजल्ट है जिसमें एक्यूरेसी के बारे में इन्होंने बताया है। कितनी एक्यूरेसी चाहिए आप देख सकते हैं, जिन पोस्ट के लिए आपको मैक्सिमम टाइपिंग की स्पीड चाहिए, मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए, वहाँ पर आपको छूट जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यूआर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको 5% की छूट मिलेगी, यानी कि 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी, बीएच कैंडिडेट, एचएच कैंडिडेट, ओएच कैंडिडेट, इनको 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके अलावा एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उसके अलावा ईएसएम वाले जो बच्चे हैं इनको 7% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यानी कि टोटल आपके जो की स्टॉक आएंगे वो 2000 की स्टॉक आएंगे। अब जो मैंने आपको बताया कि कितने की स्टॉक कम से कम आपको जो है
करने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। 2000 किस्तों का आएंगे, यानी कि यूआर कैटेगरी वाला जो बच्चा है उसके 5% जो है उसको छूट मिलेगी, यानी कि 5% का मतलब 100 किस्तों माइनस हो जाएंगे, यानी कि उसको 1900 जो किस्तों है वो बिल्कुल सही जो है वो प्रैक्टिस करना, मतलब टाइप करना ही करना है। अब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जो फोकस करो वो 2100 पे करो कम से कम, क्योंकि जब ज़्यादा पे फोकस करोगे तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। और फोकस आपको अपना एक्यूरेसी पे करना है, स्पीड पे नहीं करना है। एक्यूरेसी जिस दिन मेंटेन हो जाएगी उस दिन आपकी स्पीड जो है वो अपने आप आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें 5% का मतलब यहाँ पे आपके 100 की स्टॉक माइनस हो जाएंगे, तो आपको 1900 की स्टॉक यूआर वाले जो बच्चे हैं उनको करना ही करना सही। उसके अलावा अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 10% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि आपके 200 की स्टॉक माइनस हो जाएंगे, तो 1800 की स्टॉक आपके सही होने चाहिए। अब 1800 की स्टॉक सही हो, चाहे आपने लाइन मिस की हो, चाहे आपने मिस्टेक की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एसएससी को सब कुछ ऐड करने के बाद लाइन मिस करो या लाइन आप स्किप कर दो या आप डबल टाइप कर दो या एरर करो, सब मिला के अगर आपके 1800 एग्जैक्ट की स्टॉक सही आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पे 7% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 7×14 आपके 140 जो की स्टॉक हैं वो आपके माइनस हो जाएंगे, यानी कि 1860 जो की स्टॉक हैं वो आपके सही होने चाहिए। आपकी मिस्टेक जो है लाइन मिस है, उसके अलावा डबल लाइन अगर टाइप कर दी, उन सबको हटाने के बाद इतने की स्टॉक अगर आपके सही हैं तो आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे। SC ST OBC EWS और ESM वाले बच्चों को 1860 की स्टॉक करने हैं। उसके अलावा जो आपके UR वाले बच्चे हैं उनको 1900, और जो आपके HH, OH, PH और VH और PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1800 की स्टॉक, ठीक है। बाकी जो अदर जो पोस्ट हैं उनमें क्या है कि आपको टाइपिंग तो सभी में क्वालिफाई करना जरूरी है, वहाँ पे जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो थोड़ी सी कम होगी। आपको जो छूट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यूआर वालों को 20% की छूट मिलेगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 25% की छूट मिलेगी, और अदर जो बच्चे हैं उनको 30% की छूट मिलेगी। 20% का मतलब 2000 की डिप्रेशन है, तो इसमें 20% का मतलब 400 निकाल दो, यानी कि यूआर वालों को 1600 की स्टॉक कम से कम आपको प्रैक्टिस मतलब टाइप करने हैं, तब आपको कोई ना कोई पोस्ट जो है वो मिलेगी। मतलब किसी भी जो ये वाली पोस्ट है जिनमें आपको हाई एक्यूरेसी नहीं चाहिए, इसके लिए भी आपको 1600 की स्टॉक प्रेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 25% मतलब 500 आप घटा लो, तो यहाँ पे 1500 की स्टॉक आपको टाइप करने हैं, और इन बच्चों को 30% यानी कि 600 माइनस कर लो तो आपके 1400 की स्टॉक आपको टाइप करने ही करने, यानी कि टाइपिंग तो सभी के लिए ज़रूरी है। और आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इसकी करनी है, क्योंकि यहाँ पे अब ये आप तो देख नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, अच्छे मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको फोकस ये करना है कि कम से कम कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए, और ये जो पोस्ट है इनमें आपको हाई टाइपिंग जो है एक्यूरेसी के साथ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो फोकस आपको करना है 2000 की स्टॉक से ऊपर ही की स्टॉक आप प्रैक्टिस करो। कितने टाइम में, 15 मिनट आपको जो टाइम है वो मिलेगा, क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको कितने की स्टॉक कैटेगरी वाइज जो है वो टाइप करने हैं ताकि आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो पैसेज है वो किस तरीके से, आपको जो कंटेंट है वो किस तरीके से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल पैसेज है, इस तरीके से कंटेंट होगा। यहाँ पे समझने वाली बात आपके लिए क्या है, देखो जो कंटेंट होगा आपका वो फ्लो में होगा, यानी कि कहीं पर भी आपको लाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंटरप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कंटेंट होगा वो फ्लो में होगा। बस यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि SSC जो है शुरुआत से भी रिपीटेशन करती है और लास्ट से भी रिपीटेशन करती है, और वहीं पे आपको दिक्कत होती है कि आप लाइन जो है वो डबल टाइप कर देते हो, और अगर आपकी एक लाइन डबल टाइप हो गई तो कहीं ना कहीं टाइपिंग आप मुश्किल हो जाता है क्वालिफाई करना। जैसे यहाँ पे देखो आप सी से स्टार्ट करा, यहाँ पे भी सी से स्टार्ट करा, तो जहाँ पे आपका चाहे बर्ड से भी रिपीटेशन हो सकता है, लेटर से भी रिपीटेशन हो सकता है, तो रिपीटेशंस पे आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे जहाँ पे भी बर्ड रिपीट हो रहा है या आपका लेटर रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है आगे से और पीछे से, और पैनी निगाह से कंटेंट पे नज़र रखनी है और उसको टाइप करना है, ठीक है। इस तरीके से स्क्रीन पे आपको कंटेंट आपका शो होगा और फिर यहाँ पे आपको नीचे टाइप करना होगा। ये जो कंटेंट है एक बार में ही पूरा कंटेंट नहीं दिखेगा, कम से कम आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये जितने भी फीचर हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में आपको दिए, और इसका प्राइस हमने बहुत कम कर दिया। 99 का मतलब है कि आप 250 पैसेज जो है वो 99 में आप एसेस कर पाएंगे। तो इन्हीं 250 पैसेज को लास्ट टाइम पर प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि
एग्ज़ाम जो है वो 100% आप क्वालिफाई करके आएंगे और एक्चुअल इंटरफेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो कंटेंट है इसको हमने खुद से टाइप करवा दिया है, आप ये देख सकते हैं ये CHSL का कंटेंट है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के आपके पैसेज हैं टाइपिंग के, चाहे वो CHSL के हों CGL के हों, वो सारे के सारे यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड कराएँ। 250 एक्चुअल पैसेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। एक बार आप पास लेने के बाद CHSL के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, CGL के लिए भी कर सकते हैं, उसके अलावा EPFO की जो टाइपिंग है उसके लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे पेड वर्जन में आपको 10 मिनट और 15 मिनट दोनों का एक्सेस मिलेगा, यानी कि अगर आप CGL के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 15 मिनट पे करिए, CHSL के लिए कर रहे हैं तो आप जो है 10 मिनट पे करिए, चूँकि ढेर सारे बच्चों का CHSL भी होगा और CGL भी होगा। तो इस तरीके का कंटेंट आएगा, कंटेंट में आपको क्या सहूलियत बरतनी है, रिपीटेशंस ऑफ जो लेटर या वर्ड उनको देखना है। उसके अलावा जो कंटेंट होगा वो फ्लो में होगा, यानी कि कंटेंट कहीं पर भी आपको जो है लाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा कंटेंट को टाइप करने के लिए कम से कम 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करो जिसमें आपको कम से कम 3 बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल कितनी पोस्ट हैं जिनमें आपको हाई एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग को क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। तो टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसके अलावा आपकी UDC की जो पोस्ट है, और उसके अलावा नारकोटिक्स की जो पोस्ट है, उसमें आपको हाई एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग को क्वालिफाई करना है। तो कितनी पोस्ट है अगर हम बात करें यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट की, तो टैक्स असिस्टेंट की आप देख सकते हैं CBDT में जो पोस्ट है वो 587, बाकी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा CBIC में जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है वो कितनी है, 900। उसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें जो पोस्ट है वो कितनी है, 15। उसके अलावा UDC की जो पोस्ट है उनमें भी आपको हाई एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग को क्वालिफाई करना है। तो UDC की यहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे 23 पोस्ट हैं, 16 पोस्ट हैं, 123 पोस्ट हैं, 13 पोस्ट हैं। तो टोटल ये आपकी पोस्ट हैं जिनमें आपको हाई एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग को क्वालिफाई करना है। बाकी PSA की जो पोस्ट हैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं हुई हैं, तो इनमें भी PSA की जो पोस्ट है इसको लेने के लिए भी यहाँ पर भी मिनिमम ही कटआप आपकी, पहले इससे पहले बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी तो सबसे मिनिमम कटआप आपकी यहाँ पर गई थी। इस बार अगर इसकी पोस्ट आती है या थोड़ी बहुत आएंगी तो आपको मिनिमम कटआप यहाँ पर ही देखने को मिलेगी, जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है या जो आपकी UDC की पोस्ट है यहाँ पर ही मिनिमम आपकी कटआप रहती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हाई एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इतनी आपकी पोस्ट है जिनमें आपको हाई एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग को क्वालिफाई करना है। बाकी टाइपिंग जो है वो सभी के लिए मैंडेटरी, क्योंकि जो अदर पोस्ट है उनमें आपको छूट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन टाइपिंग आपको क्वालिफाई करना ही करना है। उसके अलावा आपको ये तो पता नहीं है एग्ज़ाम से पहले कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आप इन्हीं पोस्ट को ले पाओगे, तो आपको फोकस करना है कि आपके पास से कोई भी पोस्ट ना जाए, मतलब कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाए, तो आपको हाई एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट जानकारी आपको टाइपिंग से रिलेटेड यहाँ पर मिल पाई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, वहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनमें आपको हाइट या फिजिकल जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे हाइट, चेस्ट, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कितनी पोस्ट है, उसके अलावा कंप्यूटर वाली ऐसी कितनी पोस्ट है जहाँ पे कंप्यूटर की अलग से कटआप बनेगी, तो ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। उसके अलावा मेंस के लिए टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा ये जो हमने आपके लिए ऑफर हम लेके आए हैं 99 रुपीज़ में, यहाँ पे आपको 250 पैसेज मिलेंगे एक महीने के लिए, इसकी वैलिडिटी है। तो CHSL CGL वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट टाइम पे इन्हीं 250 पैसेज को आप प्रैक्टिस करो, एक पैसेज की कॉस्ट 40 पैसे से भी कम आपको पड़ने वाली है। तो डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो लीजिए और अपना जो बेस्ट प्लान आपके लिए यही है, 99 रुपीज़ में आप एक महीने का पास ले सकते हैं और CHSL CGL इन दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट टाइम पर सिर्फ आपको प्रीवियस जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।